ईद कुर्बा की तैयारियों के साथ साथ खवातीन के बनाओ सिंगार की तैयारियां भी उरूज पर। कहीं मेहंदी लगवाने का एहतमाम किया गया तो कहीं खवातीन बाजारों में चूड़ियां और ज्वेलरी की खरीदारी में मसरूफ रहीं। टिक्का बोटी और सीख कबाब बनाने से पहले खवातीन का बनाओ सिंगार। रात भर बाजारों में मुनफरिद कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश खरीदारी कर चुकी तो फिर मेहंदी भी लगवाई लाजवाब। कराची की खवातीन ने मेहंदी के दीदा जेब डिजाइन बनवाने के लिए पार्लर्स का रुख किया। दो साल बाद अब मेहंदी लगवा रही है तो सब में जोश और खरोश है। एक सुबह से एक हंगामा है कि बस अब तैयारी है तो अब आखिरी लम्हों में हम ईद पे मेहंदी जरूर लग जाए। फैसलाबाद में भी खवातीन ने सजने सवरने के लिए जमकर खरीदारी की। कोयटा के ब्यूटिशियंस ने आवाम को मौसम की मुनासिबत से इस ईद पर पिंक और लाइट मेकअप करने का मशवरा दे डाला। इस दफ़ा की ईद वैसे ही जो ईद गर्मियों में आए तो उसमें तो मैं कहती हूँ कि मेकअप जो है वो काफ़ी लाइट सा रखना चाहिए और आजकल जो है वो पिंक के ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। जहां मर्द हजरात जानवरों की खरीदारी में मसरूफ रहे, वहीं मुल्क भर की खवातीन खरीदारी और फिर मेकअप से लुत्फ अंदोज हुई।